और जो नबी को छोड़ के भागता है वो अल्लाह को छोड़ के भागता है, और जो नबी की मदद करता है वो है मोमिन, जो नबी को छोड़ता है वो है काफिर। और मुरीद के मजहब का पता इमाम की मजहब से पड़ता है। अगर अली ने किसी जमाने में भी रसूल को छोड़ा है तो फिर काफिर हम हैं, और अगर किसी और ने छोड़ा मुझे वक्त में लेके आगे चलो। अब देखे फिर चलते हैं कुरान हकीम की तरफ, भाई घबरा तो नहीं गए। अब आता हूं सूरत कैफ की तरफ, जहां जहां मेरी आवाज आ रही। ये सूरत कैफ मक्की सूरत है और इरशाद हो रहा है, वइज कुलना लिल मलाइका तस्जुदू ले आदम फसजदू इल्ला इबलीस कान मिनल जिन फसका अन अमरे रब। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तमाम मलाइका को हुक्म दिया का आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया इबलीस के सिवा सजदा किया। इसको जहन में रखना, सबने आदम को सजदा किया, आदम को सजदा किया इबलीस के सवा, वो जिनू में से था और उसने मेरे अम्र का इनकार किया, अम्र का इनकार किया। अफसोस की बात है, जो अल्लाह के अम्र को न माने वो तो शैतान है। बड़ा बड़ा इबादत गुजार था, शैतान से बढ़कर कोई इबादत गुजार बड़ा नहीं है, लेकिन क्या किया, अल्लाह के अम्र को नहीं माना। अरे अफसोस की बात है, जो अम्र को न माने उसकी तो तमाम इबादतें रायगान हो जाती है, वो तो शैतान बन जाता है, और जो उलल अम्र को न माने। मुखातिब है, अल्लाह मुखातिब है तमाम इंसानों से। अब अल्लाह तमाम इंसानों से मुखातिब है, अफततखिज़ूनहु वज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी वहम लकुम अदुवन बिसलिज़ालिमीन बदला। क्या तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को वली बनाते हो? क्या तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान और उसकी औलाद, ये सजदे के वक्त तो शैतान था सिर्फ, ये उसकी औलाद कहां से आ गई? भाई घबरा तो नहीं गए मेरे भाई? नारा हैदरी, घबराना नहीं, बड़ी बात कर रहा मेरे मुसलमान भाइयों, बड़ी बात कर रहा हूं, पूरी तवज्जो। क्या तुम शैतान और उसकी औलाद को वली बना रहे हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, और दुश्मन और जालिम कभी वली नहीं बन सकता। मा अशहदतुहुम खल्क समावात वल अर्द वला खल्क अनफुसहुम, हालांकि जब मैं अल्लाह कायनात को बना रहा था तो मैंने कायनात की खिलकत पर उसको गवाह न बनाया था, न शैतान को और न उसकी औलाद को। अब अल्लाह देखो क्या कह रहा है,
क्या तुम शैतान उसकी औलाद को वली बनाते हो, हालांकि जब मैं पूरी कायनात जमीन और आसमान को खल्क कर रहा था तो मैंने जमीन और आसमान की खिलकत पर मैंने शैतान और उसकी औलाद को गवाह न बनाया था, गवाह न बनाया था। क्यों? क्यों? वमा कुंत मुत्तखिज़ल मुज़िलीन अज़दा, मैं अल्लाह अपना मददगार, गुमराह को नहीं बनाता, मैं अल्लाह। कुंत बड़ा जुमला है मेरे दोस्तों, सारे पढ़े लिखे अदरा बैठे। वमा कुंत मुत्तखिज़ल मुज़िलीन अज़दा, मैं अल्लाह गुमराह को अपना मददगार नहीं बनाता, मैं अल्लाह गुमराह को अपना मददगार नहीं बना। बात फिर वही आ गई, अल्लाह को क्या जरूरत है मददगार की? देखो जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, जहां जहां मैं अल्लाह को क्या अल्लाह मोहताज है, अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है मददगार की? और अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह अपना मददगार गुमराह नहीं बनाता। वहां से बात साफ हो गई थी कि अल्लाह का मददगार कौन है? जो अल्लाह के नबी की मदद करे, जो अल्लाह के नबी की मदद करता है हकीकत में वो अल्लाह की मदद करता है। और अल्लाह कहता मैं अपना मददगार गुमराह नहीं बनाता। अब लोग मुझे कहते हैं सही फला से ये बुकलेट रोजाना मिलते हैं, बुकलेट एंड बिल्स, शियों का कुरान पर ईमान नहीं, शियों का कुरान पर ईमान नहीं। इस आयत पर तुम्हारा ईमान है? बड़ा जुमला कहा है मैंने, इस आयत पर तुम्हारा ईमान है? आयत पर तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह कह रहा है? मैंने क्या जितने नौजवान हैं, आप तमाम नौजवानों को तुम्हारे इमाम की कसम देता हूं, कल इसका तर्जमा देकर आना, अपने तफासिर में भी और जो गैरों के खास करके अशरफ अली थानवी ने इसका तर्जमा क्या किया है? वमा कुंत मुत्तखिज़ल मुज़िलीन अज़दा, मैं अल्लाह गुमराह को अपना कुव्वते बाजू नहीं बनाता। जबान से बात करें जो मेरे सामने बैठे हैं मेरे भाई, बात तो वही हुई ना, मैं अल्लाह गुमराह को अपना कुव्वते बाजू नहीं बनाता, मैं अल्लाह गुमराह को अपना मददगार नहीं बनाता। और अल्लाह की मदद ये है कि उसके नबी की मदद करे, उसके नबी की मदद करे, जो नहीं करता वो है गुमराह। अपना मददगार गुनहगार को नहीं बनाता। और मुसलमान के सर पर कुरान रखता हूं कि बताओ सारी जिंदगी रसूल की मदद की अबू तालिब ने, और अल्लाह का मददगार गुनहगार नहीं हो सकता। नारे हैदरी, मेरे भाई अब बताओ कहां रहा तुम्हारा ईमान? ये तो तकरीर में, जब आखिरी तकरीर मेरी आएगी तो उसमें से मैं कुछ पढ़ूंगा। मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, न अल्लाह मोहताज है न रसूल मोहताज है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें कानून बताया। क्या जरूरत थी भाई? जो रसूल से लड़ता है वो अल्लाह से लड़ता है ना, तो फिर तो कोई जंग ना होती। पर जो मुकाबले में आता अल्लाह इज़राइल को भेज देता, सारे मर जाते। और अल्लाह ने बार बार कहा लीजबलवकुम, ये जंगे इसीलिए है ताकि मैं तुम्हें आजमूं। आजमाता वो है जिसको नतीजे का पता ना हो। क्या अल्लाह को नतीजे का पता नहीं था कि कौन भागेगा कौन लड़ेगा? नौजवानों सारे पढ़े लिखे बैठे हैं मेरे सामने,
आजमाए तो वो, इम्तिहान तो वो ले जिसको नतीजे का पता न हो। तो अल्लाह को पता नहीं था कि लड़ेगा कौन और भागेगा कौन। अरे अल्लाह।